सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सुझाव को कमेंट में जरूर लिखें। मुंगेर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का किया पुतला दहन। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले कोविड 19 का अनुसरण करते हुए रविवार को शाम 4 बजे दहरा रेलवे स्टेशन के सामने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। जिस प्रकार मुंबई में महाराष्ट्र सरकार वहां की पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ व्यवहार किया और सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सहयोग नहीं किया, वो बिल्कुल अपमानजनक था। उनके खिलाफ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहरा के सदस्य एवं स्थानीय लोगों ने पुतला दहन करके विरोध का प्रदर्शन किया। अपने आक्रोश को दिखाते हुए महाराष्ट्र पुलिस की इस घिनौनी हरकत का विरोध किया, क्योंकि हमारे जो बिहार के होनहार कलाकार थे उनको जो है किसी प्लान के तहत जो है कि उनको मार दिया गया है और महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती है कि उनके हत्यारे का नाम सामने आए। जबकि हमारे बिहार पुलिस जब यहाँ से गई है वहाँ जाँच करने, तो उन लोगों को जो है कि सहयोग देने के बजाय उनको जो है कि डिस्टर्ब किया जा रहा है। यही माना श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना यही चाहती है कि CBI की जाँच हो। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कसम खा चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला के रहेंगे। आज उद्धव ठाकरे को हर चीज़ मालूम होते हुए भी हमारे बिहार पुलिस को वो जो है सहयोग नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की चाल है और महाराष्ट्र की चाल है। वो बार बार बिहारी को सताना चाहता है। महाराष्ट्र पुलिस अपनी जवाबदेहियों से जो है पीछे हट रही है, वह सही रूप से जांच प्रक्रिया को पूर्ण नहीं होने देना चाह रही है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जब हमारे बिहार पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे तो एकदम अपमानजनक व्यवहार किया गया उनके साथ, जो कि बिल्कुल भी हम लोगों को ये अच्छा। इस कार्यक्रम को मुंगेर जिला के मुख्य संरक्षक श्री राजेश सिंह के निर्देश जिला युवा अध्यक्ष रवीश मंगेर के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम जिला युवा मुख्य प्रवक्ता कालीचरण सिंह, जिला युवा मुख्य मीडिया प्रभारी सन्नी सिंह, जिला युवा मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, जिला युवा मुख्य महासचिव अमन सिंह भदौरिया, प्रखंड युवा अध्यक्ष हीरा सिंह के साथ हैरा प्रखंड के आसपास के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। मुंगेर जिला के बाकी जगहों पर भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार न्यूज वॉर डेस्क, खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज वॉर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सुझाव को कमेंट में जरूर लिखें।